और आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं के मन में सरकार के जाने का डर बना है। कभी शिवसेना के सबसे वफादार नेता माने जाने वाले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की ही धुकधुकी बढ़ा दी है। इस वक्त हर किसी की नजरें एकनाथ शिंदे पर टिकी हैं, क्योंकि वो 5 मंत्रियों सहित 25 विधायकों के साथ गायब हो गए हैं। माना जा रहा है कि शिंदे उद्धव ठाकरे की सीएम की कुर्सी को खतरे में डाल सकते हैं। हालांकि इस भूचाल के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बड़ी जवाबदारी दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कांग्रेस हाईकमान ने डैमेज कंट्रोल कम करने की जवाबदारी दी है। इंग्लिश में कहावत है, एनवायरनमेंट मेक्स द मैन, वातावरण ही मनुष्य का निर्माण करता है। शिवसेना के वो जो लोग कभी जब बाला साहब के साथ रहा करते थे, उनकी राष्ट्रभक्ति अलग की थी, और आज की जब वो कांग्रेस से जुड़े तो उनकी भक्ति में कहीं ना कहीं डेंट आया है। और इसलिए जो मनोयोग के साथ काम करने वाले हैं, जिनका मन मस्तिष्क राष्ट्र की तरफ है, तो उन्होंने कांग्रेस से और शिवसेना से मोह भंग हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मजे की बात यह है कि कांग्रेस नेतृत्व में कमलनाथ जी को महाराष्ट्र भेज रहे हैं कि वो जाके उनको मना कर लाएं, और ये ऐसे व्यक्ति को काम सौंपा है जो अपने ही प्रदेश में अपने ही विधायकों को नहीं समझा पाए, वो सब छोड़कर चले गए, जो अभिमान से नेताग्रस्त हैं, अब उनकी कोई सुनने नहीं वाला है। मुझे लगता है कि ये एक असफल प्रयास कांग्रेस का और कमलनाथ जी का होगा।